यूपी के सबसे बड़े सियासी परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। शिवपाल की भतीजे अखिलेश यादव से नाराजगी कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब उन्होंने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव से भी असंतोष जाहिर करना शुरू कर दिया है। सत्ता संघर्ष में बेटे अखिलेश के साथ खड़े होने के बावजूद शिवपाल अब तक मुलायम को पिता तुल्य बताते रहे हैं, लेकिन अब वो निशाना साधने से नहीं चूक रहे। शिवपाल ने आजम खान को लेकर एक बार फिर मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगाया कि उन्होंने आजम की रिहाई की कोशिश नहीं की। शिवपाल यादव ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में आजम का दर्द जाहिर किया और कहा, मुलायम सिंह यादव को उनकी रिहाई के लिए काम करना चाहिए। आजम भाई को छोटे छोटे केसों में लेकर 26 महीने हो गए, उनको परेशान किया जा रहा है, परेशानी में है, दिक्कत में है। शिवपाल यही नहीं रुके, उन्होंने आजम खान की परेशानियों को लेकर कहा, आजम खान के साथ जुल्म हो रहा है, जब जुल्म हो रहा है तो सब लोगों को मिलकर मदद करना चाहिए। हम भी गए थे, मैंने तो कहा था ये नेताजी की अगुवाई में खासकर समाजवादी पार्टी को नेताजी को अगुवाई करनी चाहिए थी। उनको झूठे और छोटे छोटे केसों में 26 महीने से बंद रखा गया है। अपने ही परिवार और पार्टी से बगावत का ऐलान कर चुके शिवपाल यादव बेहद नाराज हैं। उनकी नाराजगी का आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले कई दिनों से उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। इस बीच वो आजम खान को अपने साथ लाने की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने पिछले दिनों सीतापुर जेल में जाकर सपा के दिग्गज मुस्लिम नेता से मुलाकात की थी। शिवपाल यादव ने इससे पहले भी कहा था कि यदि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव चाहते तो आजम खान जेल से बाहर आ सकते थे। आजम के करीबियों ने भी अखिलेश यादव पर उनके नेता की अनदेखी और उपेक्षा का आरोप लगाया है। डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तहत अखिलेश यादव ने कुछ नेताओं को सीतापुर जेल भेजा था, लेकिन आजम खान ने मिलने से इनकार कर दिया। फिलहाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद यादव कुनबे की कलह दुनिया के सामने आ चुकी है। एक तरफ आजम खान नाराज हैं, तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव तो बीजेपी के नेताओं से भी मिल रहे हैं, अखिलेश भी उनसे नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिन समाजवादी पार्टी के लिए परेशान करने वाले हो सकते हैं।